ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣାରେ ଏଥର ବିଜେପି ହାରିବ, ତାପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ ହାରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କନସଲିଡେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋଜ୍ ଦ ଡେ ଭଳି ଯେମିତି ସକାଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଦିନଟା କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ଲଭନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେଇଆଡ଼େ ଯିବ। ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଇବ ବା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ, ସନ୍ଦେଶ ଯିବ ଯେ ଆଉ ଭାଜପା ନୁହେଁ, ଭାଜପାର ଦିନକାଳ ସରିଆସୁଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଭାଜପାର ଦିନକାଳ ସରିଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଦଳ ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 37,000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ ନିର୍ବାଚନରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନେ ତ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସରକାରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ केवल नवीन पटनायक सामना को बार, दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद इस बार फिर हरियाणा के जनता, कुरुक्षेत्र की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था प्रकट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस बार भी इतिहास अपने आप को दोहराएगा, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में होती है, और हरियाणा के 57 साल के इतिहास में ये 55 साल ऐसा होता आया है। तो आज परिस्थितियां अनुकूल है, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में पूरे देश के लिए काम किया है, जिस तरह से हरियाणा के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत लगाव है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के हित के लिए काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और उसमें एक और बड़ा कारण ये है कि हमारे प्रभारी आपके अपने उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ के प्रभारी हैं, जो कि बहुत उसमें रुचि लेते हैं, और उनकी रणनीति पर चलकर मैं समझता हूँ कि हम हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का सम्मान हरियाणा में रहेगी? बिल्कुल रहेगी नहीं, बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। हरियाणा के लोग भी धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत पसंद करते हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान जी आकर के हरियाणा में जब भाषण देते हैं तब सब लोग बहुत उनको अच्छा मानते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है, हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। और माननीय मोदी जी ने भी हरियाणा के अंदर बहुत समय लगाया है, पहले समय से भी बहुत समय हरियाणा में रहे हैं, उनका एक विशेष लगाव है हरियाणा के लोगों से, और हरियाणा के लोगों का एक विशेष लगाव है माननीय मोदी जी के साथ और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ भी। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि वो बार बार हमारे बीच में आए और आके हमारे को और प्रेरित करें। सुनील बाब, दर्शक बंधु, आज सारा देश देखिला उड़िया पुओ केंद्र मंत्री हरियाणा रा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान कर चमक। ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଟାହି ଟାପରା କରୁଥିଲେ, ନଖ ଘଷୁଥିଲେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିକି, ଯେ ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଶବନ୍ଧୁ ହରିୟାଣାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଶବନ୍ଧୁ,
दुई दिन हेला नवीन निवास रे बसी थिबा विजु जनता दल विफल सुप्रीमो नवीन बाबू नख घसुले दुई दिन हेला शांति रे सोउथिले एग्जिट पोल देखिकी देश बंधु कारण नवीन बाबूंकर भय देश बंधु केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं जेपर्यंत धर्मेंद्र बाबू का पतियारा बढ़ुची से पर्यंत नवीन बाबू जानिचंती आउ ओडिशा रे तांकर कौनसी चमक कार्ती चली बनाए देश बंधु धर्मेंद्र बाबू हरियाणा प्रभारी हेबा परे केवल विजु जनता दल रे नुहे देश बंधु ये भारतीय जनता पार्टी रे मध्ये किछि नेता थिले जो माने नख घसुले जो माने चाहूंथिले भारतीय जनता पार्टी किछि नेता चाहूंथिले धर्मेंद्र बाबू हरियाणा रे बीजेपी रे पराजय हेले धर्मेंद्र बाबूंकर पत्ता कटी जीवो राज्य राजनीति तांकर सब किछि मूल पोछे जीवो आज देश बंधु से माने कबाट कण रे बसी कि कांदुचंत 10:30 रे जेते बेले यूटर्न कला बीजेपी 10:30 रु वर्तमान पर्यंत दशबंधु माने कबाट कोण रु आ बाहर को बाहर पर ना दशबंधु मु धर्मेंद्र बाबू को मु धन्यवाद दबा पाई चा सारा ओडिसा वासी के पक्ष रु धर्मेंद्र बाबू को मु शुभेच्छा दबा पाई चा दशबंधु हरियाणा विधानसभा निर्वाचन को अति पाखरु देश बंधु आम सुधांशु बाबू एवं मु देखी 22 टी जिला भितर 18 टी जिल्ला रे देश बंधु आम निर्वाचन रो ताती को मापीछु एवं माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सहित आम आलोचना मध्य करिछु देश बंधु लगातार 45 मिनिट धरी की धर्मेंद्र बाबू के सहित सुधांशु बाबू मु विभिन्न प्रसंग रे आलोचना भितरे धर्मेंद्र प्रधान के भितरे जो कॉन्फिडेंस को देश बंधु आम भल भाव देखी जिते बेले सारा एग्जिट पोल कहुची हरियाणा रे कांग्रेस सरकार गढ़ हरियाणा राजनीतिर उष्मता मध्य कहुची जे हरियाणा रे थर कांग्रेस सरकार गढ़ सेतिक बेले धर्मेंद्र बाबू को जो गुरु दायित्व दिया इतला प्रभारी भावे दायित्व तांकर भितरे थिबा आत्मबल को देशबंधु आमे पाखरु देखिछु धर्मेंद्र बाबू कहुतरे जे बीजेपी जो स्ट्राटेजी अपनेची जो रणनीति अपनेची तृतीय बार हरियाणा रे बीजेपी सरकार हबो देशबंधु आमे अनेक लोकों को सहित कथा आइछु सुधांशु बाबू जो मानक सहित हरियाणा रा साधारण लोकों को सहित कथा आइछंती 10 जन व्यक्ति रु 5 जन बीजेपी कहिछंती आउ 5-6 जन कांग्रेस मध्ये कहिछु मु मध्ये जो मानक सहित कथा आइछि प्राय कांग्रेस को भोट देवे बोली कहिछन लोक किंतु देश बंधु कुआ जाए जे जे राजनीति करे ताकू रणनीति जानी जानिबार आवश्यकता अछि यदि रणनीति आपण जानी नथिबे ताले राजनीति करंतु नाही आज प्रमाणित हेगला जे सारा देश रे ओडिया पुअ धर्मेंद्र प्रधान जने भलो रणनीतिकार एग्जैक्टली और दुई दिन तले देश बंधु माननीय पूर्वतन मंत्री सुधांशु बाबू कहते मु विशेष भाव बाबद टिप्पणी रखिबा पाई चाहू ना डॉक्टर अरुण साहू कहते जे बीजेपी छिड़ी छिड़ी जाऊछ
नवीन पटनायक कड़े आस्था अधिक बढ़ी बढ़ी जाऊँगी मु जानी देशबंधु अरुण बाबू जदि केते राजनीतिक ज्ञान एवं कौशल अच्छी जदि से जड़े भल रणनीतिकार ताले एते कम भोट रे से विजय हासिल कर से जो राज्यस्तरीय नेता अति पावरफुल नेता विजु जनता दल नयागढ़ होची तांकर सबुठ गड़ बोली कहा जाए से गड़ रे से कुभली भावे केते खंड भोट रे विजय हासिल कर देशबंधु एक आपण माने समस्ते जानी मुआ थरे मने पकेबा पाई चाहूना अरुण बाबूंकर लोकप्रियता केते नयागढ़ रे तांको निज विधानसभा क्षेत्र रे ए निर्वाचन रु से प्रमाणित कर दीचन एबे जेतले नवीन निवास रे बसथिबा एवं सन्यास नेथिबा सामाजिक वासन हेथिबा बाबूंक कथा रे एवं सुप्रीमो नवीन बाबूंक कथा रे जदि अरुण बाबू बीजेपी को कटाक्ष करिबे आ नई न देखणु तबे बीजेपी छिड़ी छिड़ी जाउछ बीजेडी बड़ी बड़ी जाउछ अरुण बाबू आज तो आपण गणमाध्यम को सामना करिबार आवश्यकता थिला बीजेपी छिड़ुछु ना बीजेडी छिड़ुछु डॉक्टर अरुण साहू मने रखिबा उचित जे बीजेडी रा आउ किछि हबार ना जहां को नहीं कि आप मार्केटिंग करुचंती प्रति लोकंकर सहानुभूति थाई पारे किंतु ओडिशा वासी आउ चाहू नांती जे जड़े दुर्बल व्यक्ति को आउ ओडिशा रा शासन रा भार दायित्व दबा पाए चारि जण स्ट्रेचर लगे कि जहां को धरी धरी जिबे से ओडिशा रा शासन रा दायित्व रहिबे एक कथा ओडिशा वासी चाहू नांती एक कथा 24 रे प्रमाणित करिके रख नवीन बाबू सुनील बाबू माइक टा ठीक से धरि पालेनी बोली जने ऑफिसर तांको माइक धरला बोली ओडिशा वासी कोन भाबिले जे नवीन बाबू गलेनी से अपार से पारू ना गन के एबे एबे दशबंधु पदयात्रा बिजू जनता दल पदयात्रा कार्यक्रम रे नवीन बाबू भाषण दउतले ओडिया ठीक से एबे भी पढ़ी पारू ना कहिला बेले दशबंधु नवीन बाबूंकर देहरु हाथ पर्यंत सब थरुच आहुरी 5 वर्ष समय अच्छी बाबू डॉक्टर अरुण साहू का भली नेता माने अत्यधिक उत्साहित हबार आवश्यकता नहीं राजनीति रे घड़ी के घोड़ा छुटे को पानी केते बेले कुआड जीव एक कथा आप राजनीति रे आकलन करी परिबे नाही जो बड़ी भावे आप हरियाणा रो निर्वाचन रो एग्जिट पोल देखिले एवं आज आप एग्जाक्ट पोल देखिले बिजु जनता दल को भरोसा करी थिबा जो नेता माने कर्मी माने अच्छन देशबंधु आज सजाग हो जातु माइंडसेट को परिवर्तन करंतु जे नवीन पटनायक दल रे आउ किछि हवार नहीं अपन धर्मेंद्र बाबू को थट्टा प्रयास करिबे नख घसीबे जे हरियाणा रे बीजेपी पराजय हेले धर्मेंद्र प्रधान कर पत्ता कटिबो देशबंधु धर्मेंद्र बाबू होचंदि जणे चालाक चतुर नेता तांको भीतर जो कॉन्फिडेंस अच्छी से कॉन्फिडेंस आगो को नौची धर्मेंद्र बाबू को एमिति देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह राष्ट्रमंत्री अमित शाह हरियाणा भली राज्यर दायित्व दे नथिले बीजेपी रा श्रेष्ठ नेतृत्व माने जानी चंती यदि धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी भावे दायित्व नौचंती ताले अनेक रणनीति रे परिवर्तन हो
जो माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाए राजनीति रे, से माइक्रो मैनेजमेंट को धर्मेंद्र बाबू सठिक ढंग से पालन करी परिबे। आम देखिछु दर्शक बंधु, धर्मेंद्र बाबू को पाखरे समय न था। धर्मेंद्र बाबू को जगह रे आउ तो किए थिले, से केवल गणमाध्यम रे आसीबा पाई, वीडियो रे आसीबा पाई, फोटो रे आसीबा पाई, हरियाणा रे देखे हबा पाई, ओडिशा वासिंग को नजर रे हरियाणा रा प्रभारी भावे देखे हबा पाई अनेक कथा करी पर थांदे। किंतु धर्मेंद्र बाबू को उपरे जेतु गोटे बड़ दायित्व देशर प्रधानमंत्री देइचंती, से दायित्व को तुलेबा पाई दर्शक बंधु राता राति 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 दर्शक बंधु एभली अनेक राति पार करिचंती दल को आगु को नबा पाई। धर्मेंद्र बाबू देखे हवार नेता नुहंत। आज धर्मेंद्र प्रधान दर्शक बंधु प्रमाणित कर देले जे राजनीति रे कौशल एवं रणनीतिर आवश्यकता अछि। ए बाहास्फोट मारुथुबा नेता माने दर्शक बंधु राजनीति रे केते बेले सक्सेस हुंती नाय। जो माने भावंती जे भावमूर्ति को नहीं के राजनीति करा जिवो, दर्शक बंधु सेभली राजनीति देशरु लोप पाई गला। ना इंदिरा गांधी का भावमूर्ति आउ काम दउची, ना ओडिशा रे बिजु पटनायक जो भावमूर्ति थिला ता 2024 रे आउ काम दला। बिजु बाबू सरी गले दर्शक बंधु राजनीति रे। एबे नवीन पटनायक का भावमूर्ति को मार्केटिंग करबा पाई बिजु जनता दल प्रयास करूची। एतरे कोनोसी प्रकार सफलता दर्शक बंधु बिजु जनता दल को मिलिबो नाय। सेथिपाई दर्शक बंधु कहा जाए जे जातीय स्तर राजनीतिक दल गुड़िक केते बेले को समय मुंड टेकिबे तांकु आकलन करिबा सबुठु कष्टदायक। केते बेले कांग्रेस मुंड टेकिबो, केते बेले बीजेपी मुंड टेकिबो दर्शक बंधु आपण तांकु जदि सठिक ढंग रे आकलन न करिबे आपण पदारे पड़िबे एवं आपण को मुहरे सक्त चापुड़ा लागिबो। आज ठीक सही बोली छी पुणि थर देश बंधु धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद दबा पाई चाहे। जेने विचक्षण राजनेता भावे आपण जो आज हरियाणा रे बीजेपी रे बड़ा विजय परे जो प्रमाणित करिचंती जे एग्जिट पोल हो कि कांग्रेस पार्टी रे बड़ा प्रचार हो प्रोपागंडा हो ये सब बात दल को आग को नबारे जो कौशल देश बंधु धर्मेंद्र प्रधान को सीखबार अच्छे। यदि 2019 रे फॉर्मूला सेट न कर थांदे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश बंधु आज मोहन माझी के बड़े जड़े साधारण नेता ओडिशा रे मुख्यमंत्री होइ न थांदे।